अभिनंदन है आपका मानचित्र में। मेरा नाम है अभिषेक बारिट। दुनिया के मानचित्र में अक्षांश और देशांतर के बीच फैली कहानियों के विश्लेषण में आप हमारे साथ सफर पर रवाना हो रहे हैं। जिस जगह की रहस्यमय कहानी अभी आप सुनने वाले हैं उसे कभी शैतानी टापू कहा गया तो कभी इसे धरती की सबसे खतरनाक जगह कहकर पुकारा गया। अब तक ये जगह 1000 से भी ज़्यादा इंसानी जिंदगियों को ख़त्म कर चुकी है। यहाँ 75 से ज़्यादा प्लेन खो चुके हैं और 100 से ज़्यादा जहाज यहाँ डूब चुके हैं। ऐसे में इस जगह को पूरी दुनिया में लोग डर के साए से घिरी हुई पाते हैं। इसके रहस्य अब सुलझ भी चुके हैं पर अब लोग रहस्य से पर्दा उठ जाने के बाद भी जान लेना चाहते हैं कि यहाँ जो भी होता रहा वो आखिर हुआ क्यों। आज उसी क्यों और कैसे के जवाब के साथ कहानी दुनिया की सबसे बदनाम और कुख्यात जगह की कहानी बरम्यूडा ट्रायंगल की। अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर के नाम से भी पुकारा जाता है, वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा के मायामी से महज 1770 किलोमीटर और कनाडा के हैलिफैक्स नोवा स्कॉटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 से 85 के बीच फैले 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली यही जगह बरमूडा का काल्पनिक ट्रायंगल है। अमेरिका के क्यूबा के पास ट्रायंगुलर शेप में या त्रिकोण आकृति में इस जगह के फैलाव की वजह से दुनिया इसे बरमूडा ट्रायंगल कहती है। ये एक बेहद विशाल जगह है लेकिन इस पर कोई फिजिकल त्रिकोण नहीं बना हुआ है। ये लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का लंबा एरिया है। ये जगह पूरी दुनिया में अब तक बदनाम रही क्योंकि ये अपने ऊपर से गुजरने वाले बड़े से बड़े जहाज और प्लेन्स के साथ उनमें सवार जिंदगियों को भी खत्म कर रही है। ये जगह साल 1945 में उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आई जब उसके ऊपर से अमेरिकी बॉम्बर फ्लाइट 19 का पूरा फ्लीट गुजर रहा था और फ्लाइट 19 के सारे विमान इस जगह जाकर खो गए। उनका संपर्क फ्लाइट रेडियो स्टेशन से टूट गया। दरअसल 5 दिसंबर 1945 को 5 जहाज़ों का ये बेड़ा फ्लाइट 19 5 जनरल मोटर्स ईस्टर्न एयरक्राफ्ट डिवीजन TBM एवेंजर्स टॉर्पीडो बॉम्बर्स के ग्रुप ने दोपहर 2:10 पर फ्लोरिडा से उड़ान भरी। ये एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट थी जो अपने 3 घंटे की प्रशिक्षण उड़ान पर थी। फ्लाइट 19 के 5 विमानों को कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कार्ल टेलर जो नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल से यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ओवरवाटर नेविगेशन ट्रेनिंग फ्लाइट 19 की अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ 14 एयरमैन भी इस फ्लाइट का हिस्सा थे। सभी 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और साथ ही कमांड स्टेशन से भी उनका संपर्क टूट गया। इस वक्त तक फ्लाइट 19 अपनी 90 मिनट की फ्लाइंग पूरी कर चुकी थी। स्क्वाड्रन अपने साथ पहले 2 कंपास रखा करती थी। ये सब विमानों के लिए ज़रूरी भी था क्योंकि अगर 1 कंपास में खराबी आ जाए तो उस हालात में दूसरे कंपास की सहायता ली जा सके, पर दूसरे कंपास ने भी उस वक्त काम करना बंद कर दिया। उस वक्त सोनार और एडवांस रडार सिस्टम नहीं हुआ करते थे तो सभी पायलट्स को अपनी फ्लाइट को सही दिशा में उड़ाने के लिए कंपास पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब इन विमानों को उड़े तकरीबन 2 घंटे का टाइम बीत चुका था लेकिन अब उनकी कोई खबर नहीं थी। सभी विमानों के कंपास ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। हर विमान 2 पायलट्स के साथ उस वक्त हुआ करता था पर इन 5 प्लेन्स में 14 लोग 3-3 के ग्रुप में डिवाइडेड थे जिनमें प्रत्येक को 300 घंटे की तकरीबन उड़ान का अनुभव भी था। उड़ान के दौरान ही इन्हें बरमूडा ट्रायंगल पर उड़ते हुए बेहद तेज़ रफ्तार हवा और बरसात का सामना करना पड़ रहा था। एक रेडियो संदेश में तो एक पायलट ये भी बोल रहा था कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, शायद हम उस आखिरी मोड़ के बाद खो गए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एफ कॉक्स एक अन्य नौसेना उड़ान प्रशिक्षक जो फ्लोरिडा तट के पास उड़ान भर रहे थे, गश्ती के रेडियो संचार को सुनने वाले उस वक्त वो पहले व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत स्थिति के बारे में एयर स्टेशन को सूचित किया और फिर एवेंजर्स से संपर्क करके पूछा कि क्या उन्हें सहायता की ज़रूरत है। टेलर ने उन्हें बताया कि मेरे दोनों कंपास खराब हो चुके हैं और मैं
लॉडरडेल फ्लोरिडा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने घबराने के लहजे में ये भी कहा कि वो ज़मीन पर है, यानी पानी पर नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन ये टूट चुका है। अब वो किस चीज़ के टूटने की बात कर रहे थे, ये पूरी तरह से अस्पष्ट है। टेलर बोले, मैं निश्चित तौर पर कीज में हूँ, लेकिन कहाँ हूँ ये कोई जानकारी नहीं है। टेलर के दावे को उस वक्त इसलिए सच नहीं माना गया कि उनके पास उनका शेड्यूल पास हैंस और बहामास के चिकन सोलस के लिए था, मतलब एक घंटे पहले वो वहाँ उड़ान भर रहे थे। और उन्होंने दावा किया कि उनका विमान कुछ ही देर में सैकड़ों मील दूर की फ्लोरिडा के ऊपर था और ये नामुमकिन था। पर टेलर ने यह दावा किया, सामान्य परिस्थितियों में अटलांटिक में खो जाने वाले पायलट को अपने विमान को डूबते सूरज की ओर उड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी और पश्चिम की ओर मेनलैंड की ओर उड़ना था, लेकिन टेलर को विश्वास हो गया था कि वो मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर हो सकते हैं। फ्लोरिडा प्रायद्वीप का पता लगाने की उम्मीद में उन्होंने फ्लाइट 19 को उत्तर पूर्व में चलाने का एक घातक निर्णय लिया, एक ऐसा कोर्स जो उन्हें केवल समुद्र से और भी दूर ले जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कुछ पायलट्स ने ये मान लिया था कि टेलर गलती कर रहे हैं। डैमिट बोलते हुए एक एयरमैन ने रेडियो संदेश जारी किया, अगर हम सिर्फ पश्चिम की ओर उड़ते तो हम घर आ सकते थे। टेलर को अंततः घूमने और पश्चिम की ओर जाने के लिए राजी किया गया, लेकिन शाम 6 बजे के तुरंत बाद उन्होंने आदेश को रद्द कर दिया और एक बार फिर उन्होंने दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, हम पूर्व में काफ़ी दूर नहीं गए। उन्होंने कहा, अभी भी हम चिंतित हैं कि वो खाड़ी में हो सकते हैं, हम भी बस घूम सकते हैं और पूर्व की ओर फिर से जा सकते हैं। उनके पायलट्स ने शायद निर्णय के खिलाफ तर्क दिया। कुछ जांचकर्ताओं का ये भी मानना है कि एक विमान टूट गया और एक दिशा में उड़ गया, लेकिन अधिकांश ने अपने कमांडर के नेतृत्व का पालन किया। फ्लाइट 19 के रेडियो प्रसारण जल्द ही तेजी से फीके पड़ गए क्योंकि ये समुद्र से बाहर निकल गया। जब ईंधन कम होने लगा तो टेलर को समुद्र में संभावित दुर्घटना के लिए अपने आदमियों को तैयार करते हुए भी सुना गया। सभी विमान एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएं, उन्होंने कहा, जब तक पहला विमान 10 गैलन से नीचे नहीं गिरता है तब तक हमें खाई खोदनी होगी। कुछ मिनटों के बाद एवेंजर्स के अंतिम रेडियो संचार से पता चला कि सब कुछ खत्म हो गया है और इल्जाम आया बरमूडा ट्रायंगल पर, और इसी घटना से ये बदनाम जगह एक बार पूरी दुनिया में फिर से चर्चा में आ गई। इस फ्लाइट 19 को एक रेस्क्यू मरीनर भी ढूंढने निकलता है और उसमें 13 लोग सवार थे, पर ये भी बरमूडा ट्रायंगल में खो जाता है। आज तक दोनों उड़ानों के 27 लोगों और 6 विमानों की किसी को जानकारी नहीं है। इसके बाद एक हाई लेवल सर्च प्रोग्राम शुरू किया जाता है, पर यह बेनतीजा साबित होता है। ना ही खोए हुए प्लेन्स मिले, ना ही उनमें सवार सभी लोग। फ्लोरिडा से बरमूडा और पोर्टोरिको के इस त्रिकोण में हजारों जिंदगियां समाती चली गई, पर इसके पीछे के राज सामने नहीं आए। पर वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और इसे सुलझाने में लगे रहे। अब अलग अलग थियरीज सामने आती गई, पर वो भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। एक एक कर अब बरमूडा के राज से पर्दा उठाते हैं। 1948 में ये स्थान सबसे पहले उस वक्त चर्चा में आया जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से अपने जहाज से गुजरे और उन्होंने पाया कि इस जगह पर पहुँचते ही वो तेज रफ्तार हवाओं के बीच घिर गए और इसके अलावा तेज बारिश और बवंडरों से उनका सामना हुआ जो बेहद चौंकाने वाले थे। उन्हें लगा कि अचानक से समंदर में कोई सुनामी आ गई है। कोलंबस अपनी पुस्तक में जिक्र करते हैं कि उन्होंने आकाश में एक तेज रोशनी देखी जो समुद्र की तरफ से तेजी से बढ़ रही थी। उस वक्त कोलंबस की बात को रहस्य और रोमांचक समझा गया, पर अब खुलासा हुआ है कि संभवतः उन्होंने कोई मीटियर यानी उल्का पिंड को गिरते हुए देखा होगा जिसको उन्होंने उस खराब मौसम से जोड़कर बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य मान लिया। उनका जहाज भी समुद्र में थपेड़े खाने लगा और कंपस भी खराब हो गया। उसके बाद इसे रहस्यमय समुद्री शैतानी टापू कहा जाने लगा, पर इसका नया और वास्तविक नाम साल 1964 में इस पर एक चर्चित किताब अर्गोशी में विंसेंट एच गदीफ ने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस आर्टिकल में विंसेंट एच गदीफी ने बरमूडा ट्रायंगल पर पहली बार इसको इसका अपना नाम दिया। साथ ही इसमें खोने वाले लोगों और जहाजों विमानों की घटनाओं का बारीकी से उन्होंने उल्लेख किया, पर उनकी नज़र में ये रहस्यमय शैतानी टापू ही था क्योंकि उन्होंने इसके राज से पर्दा उठाने के प्रयास से ज़्यादा इसे मिस्ट्री बनाने का प्रयास किया। इसे डेविल ट्रायंगल भी पुकारा जाता रहा है।
इस जगह की खास बात यह है कि बड़े से बड़े शिप यहाँ पानी में इस तरह डूबते थे कि जैसे वो कीचड़ में धंस रहे हों, और उनसे जान बचाने के लिए कूदने वाले लोग जो तैराकी जानने के बावजूद इसमें डूब जाते थे क्योंकि वो इस पानी में तैर ही नहीं पाते थे। मार्च 1918 USS साइक्लॉप्स नाम का अमेरिकी मालवाहक जहाज भी यहाँ अयस्क ढोते हुए खो गया था। जहाज से यहां तक कि कोई इमरजेंसी संदेश नहीं आया। इसके डूबने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था कि भगवान और समुद्र ही जानते हैं कि उस महान जहाज के साथ क्या हुआ होगा। लोग यहां के आंकड़े को 2000 शिप्स और 200 प्लेन्स के खोने का बताते हैं, पर ज्ञात आंकड़ों की भी बात करें तो ये लोगों के बताए आंकड़ों के 50% हैं। 1941 में भी साइक्लॉप्स जितने ही दमदार दो जहाज यहां खो गए। ऐसा नहीं है कि कोई यहां से बच निकलने में कामयाब नहीं रहा। 4 दिसंबर 1970 को एक इंजन वाले एयरक्राफ्ट बीच क्राफ्ट बोनांजा में ब्रूस गर्नन अपने पिता और अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ बहमास के एंड्रोस से मायामी की उड़ान पर थे। बरमूडा पर पहुंचने के साथ ही वो 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। उन्हें वहां कुछ अजीब बादल नजर आए जिनसे वो अपने विमान को बाहर निकालने में कामयाब रहे, पर 11000 फीट की ऊंचाई पर फिर से वही बादल उनके सामने आ गए और वैसे ही बादलों में वो अपने एयरक्राफ्ट के साथ घिर गए। ब्रूस के सामने कोई चारा नहीं था कि वो इन बादलों के अंदर प्रवेश किए बिना आगे बढ़ सकें। उन्होंने अपने विमान को बादलों के अंदर डाल दिया। ब्रूस बताते हैं कि बादल बरसाती बादल जैसे नहीं थे, इनके अंदर तेज रफ्तार हवा थी और बिजली चमक रही थी। 30 मिनट ही बीते थे कि सामने ब्रूस को लगा कि शायद वो बादलों से पार हो रहे हैं और सामने उन्हें सूरज चमकता हुआ नजर आया, पर वो गलत थे। ब्रूस के अनुसार वो एक तरह की मैग्नेटिक बेलनाकार गुफा में प्रवेश कर गए और विमान के सभी उपकरणों ने उस वक्त काम करना बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो इन रहस्यमय बादलों के पार निकल आए, पर अब वो और ज़्यादा हैरान थे। ब्रूस ने नीचे कमांड स्टेशन से संपर्क कर अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश की। कमांड स्टेशन ने उन्हें बताया कि वो उनके रडार पर नहीं है, लेकिन वो मायामी के ऊपर कहीं पर है। ये सुनकर ब्रूस हैरान हो गए क्योंकि उन्हें अभी उड़ान भरे सिर्फ 47 मिनट ही हुए थे और 250 मील दूर मायामी पहुंचने में 1 घंटे 30 मिनट का वक्त लगना चाहिए था। वो ये देखकर हैरान थे कि वाकई वो मायामी के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। ये सिर्फ 3 मिनट में 150 किलोमीटर का सफर कैसे कर पाए, वो सोचकर ही हैरान थे क्योंकि उनके एक इंजन वाले प्लेन की रफ्तार इस हिसाब से 3000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी, जो कि नामुमकिन है। फाइटर जेट्स भी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से कम ही उड़ान भरते हैं, जबकि उनके पास एक मामूली हवाई जहाज था जिसकी स्पीड 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास भी नहीं थी। 1881 की एक घटना है जिसमें एलन ऑस्टिन का भी रहस्य है, वो बेहद डरावना माना जाता है। दरअसल 210 फीट का ये महान समुद्री जहाज एक यात्रा पर रवाना हुआ। एलन ऑस्टिन ने लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा शुरू की। बरमूडा ट्रायंगल में ऑस्टिन ने एक खाली जहाज देखा जिस पर कोई सवार नहीं था। कड़ी मेहनत के बाद ऑस्टिन के कैप्टन उसे उस जहाज के करीब लाए, लेकिन वो इस डर से कि इसमें समुद्री लुटेरे छुपे हो सकते हैं, ऐसे में 2 दिन तक उसके पास से उसे देखते रहे। लेकिन आखिर में कोई हलचल ना देखकर ऑस्टिन के कैप्टन ने निर्णय लिया कि अब वो अंदर जाकर जहाज का मुआयना करेंगे। लेकिन अंदर जाकर वो एकदम सकते में आ गए। उसके अंदर सब कुछ सामान सही व्यवस्था में रखा हुआ है, लेकिन क्रू और बाकी कोई आदमी उस शिप में मौजूद नहीं था। कैप्टन फैसला करते हैं कि कुछ लोग ऑस्टिन से दूसरे जहाज पर जाएंगे और उसे साथ लेकर दोनों जहाज साथ साथ आगे बढ़ेंगे। 2 दिन तक साथ साथ चलने के बाद अचानक समुद्र में एक तूफान फिर आता है। दोनों शिप अलग अलग हो जाते हैं। वो रहस्यमय जहाज बाकी लोग जो ऑस्टिन से उसमें सवार हुए थे उनके साथ खो जाता है। तूफान के थमने के बाद कैप्टन दूरबीन से उस जहाज को समुद्र में फिर से तलाशते हैं और जहाज मिल भी जाता है, लेकिन इसमें सवार वो सभी लोग जो एलन ऑस्टिन शिप से उसमें सवार हुए थे वो कहीं नहीं नजर आते। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने महज इसे एक सहयोग मानते हुए वापस इस शिप को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, पर इस बार भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था, यानी तूफान फिर आया और फिर से ऑस्टिन से सवार हुए लोग उस जहाज में चढ़े और गायब हो गए। अब तो दुनिया की सबसे खतरनाक जगह मानी जाने वाली ये जगह दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों में भी शुमार नहीं होती, क्योंकि अब इसके रहस्यों से पर्दा उठ गया है।
अब तक अलग अलग मिथक बनाए जाते रहे बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कि जैसे इसमें एलियंस का जमावड़ा है, ये जगह भूतिया है, ये जगह शापित है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब थियोरीज हाइपोथेटिकल हैं, पूरी तरह से काल्पनिक है, फिर भी कुछ थियोरीज हैं जिनका आधार विज्ञान पर टिका हुआ है। वैज्ञानिक मतों की बात करते हैं। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल के नीचे काफ़ी मात्रा में वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी हैं जो समय समय पर फटते रहते हैं और उनसे तरह तरह की गैसें निकलती रहती हैं, जिनमें से एक अहम गैस है जिसका नाम है मीथेन। मीथेन पानी पर तैरते हुए जहाज को भी भारी मात्रा में उत्सर्जित होने पर डुबो सकती है, क्योंकि मीथेन पानी के साथ जब भी रिएक्ट करती है तो उसके घनत्व को यानी उसकी डेंसिटी को कम कर देती है, जिससे पानी का घनत्व बढ़ने पर उस पर तैरने वाली कोई भी चीज़ उसके अंदर डूब जाएगी। एक थ्योरी है मैग्नेटिक फील्ड की। दरअसल पृथ्वी की सतह पर उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों को जोड़ने वाली और उन बिंदुओं से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा हम नक्शे पर बस अपने हिसाब से मान लेते हैं। दरअसल ये रेखाएं जो काल्पनिक हैं, लेकिन जिस जगह पर इनको इंगित किया जाता है वो जगह ऐसा स्थान है जहाँ कोई चुंबकीय झुकाव नहीं है। इसे और सरलता से समझिए। आपको इसे समझने के लिए पहले कंपस को समझना होगा। दरअसल कंपस की सुई भी एक चुंबकीय होती है और हमें पता है कि विरुद्ध ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से आकर्षित होता है और वो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। कंपस हमेशा उत्तर दिशा की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये धरती के उत्तरी ध्रुव से हल्का सा अंतर लिए हुए होता है, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगोनिक लाइंस चुंबक के कंपस को धोखा दे सकती हैं और चूंकि ये अगोनिक लाइंस धरती पर अपना मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती हैं, लेकिन इसमें सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ऐसे में जितने भी विमान और शिप्स के कंपस बरमूडा के ऊपर खराब हुए हैं और जहां लोग मारे गए हैं वो भ्रमित होने की वजह से भी मारे गए हों, ये भी एक थियोरी है। साथ ही बरमूडा ट्रायंगल के चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनसे टकराकर हवा आपस में तेज भंवर और बवंडर पैदा करती है, जिससे विमान और जहाज इसके अंदर फंस जाते हैं और 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हवाओं के बवंडर में फंसकर वो पानी के पैंदे में समा जाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में भी ये देखा गया है कि बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पानी बहुत छिछला है, यानी पानी वहाँ पर गहरा नहीं है, और बड़े शिप्स यहाँ गहराई का पता करने में कई बार नाकाम रहते थे, और उस वक्त सोनार जैसे डिवाइसेस भी नहीं थी कि पानी के नीचे चट्टानों के होने का पता लगा सकें। ऐसे में मिट्टी, घास और चट्टानों में जहाज अक्सर अटक जाते थे, और साथ ही एक तरह की विशाल शैवाल वाली परत भी यहाँ पाई जाती है जो जहाज़ों को अटका देती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा समुद्री तूफान भी फ्लोरिडा में ही आते हैं, जो बरमूडा त्रिकोण का पहला कोना है। ऐसे में जहाज़ों के लिए ये इलाका पूरी तरह सेफ नहीं रहा। इसके अलावा अब विज्ञान बरमूडा ट्रायंगल को हमारी मनस्थिति और साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा मानने लगा है। नवीन शोध में वैज्ञानिकों ने माना है कि बॉर्डर माइनहॉफ नाम का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा उठाता है। दरअसल बॉर्डर माइनहॉफ इफेक्ट में हमारे साथ ओवर कंसंट्रेशन की समस्या आती है, और हम चीज़ों पर जब हद से ज़्यादा ध्यान देने, सुनने या समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमें ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो तमाम मामलों में बरमूडा ट्रायंगल से पूरी तरह मिलती हैं, पर वहाँ इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होने के बावजूद हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने बरमूडा ट्रायंगल पर ज़्यादा सोचा और इसी वजह से वो हमें ज़्यादा रहस्यमय नज़र आता है। जापान में भी ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल जैसी जगह है, और वहाँ जापान के कई जहाज ऐसे ही डूबे, और इसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता था। और दुनिया में हमने बॉर्डर माइनहॉफ इफेक्ट की वजह से बरमूडा ट्रायंगल पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा भारत में भी उड़ीसा में ब्रिटिश काल में निर्मित अमार्डा एयर स्ट्रिप भी भारत का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ अब तक 150 जहाज डूब चुके हैं, पर बॉर्डर माइनहॉफ इफेक्ट की वजह से हमारा फोकस सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल ही रहता है। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इसके साथ 170 माइल करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं यहाँ चलती हैं। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के
पैदे मिले जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सब रहस्य तब तक रहस्य होते हैं जब तक उन्हें विज्ञान की नज़र से नहीं देखा जाता। सैकड़ों वर्षों बाद बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ चुका है। देर आए दुरुस्त आए। आपको हमारा एक काम करना है, अगर आपको हमारे किस्से, कहानियाँ, खबरें, फैक्ट अच्छे लगते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि हम अब तक खबरें, किस्से, कहानियाँ समय पर पहुँचा पाएंगे। शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।